गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग विक्रम विपिन ब्रजेश लकी नीतू विवेक मंजेश एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल सीरीज 2.0 के सेकंड डे के अंदर। कल हमने 60 क्वेश्चन किए थे पहली क्लास में और होपफुली आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। और आपको मैंने कहा था कि अपने नोटबुक लेकर बैठ जाइए जल्दी से, क्योंकि आपके पास जो कंटेंट अवेलेबल है, जो कंटेंट आप तैयार कर चुके हैं, वो कंटेंट का रिवीजन हो रहा है, उसको नोट नहीं करना। लेकिन जो नया कंटेंट आपको मिले, कोई नई जानकारी आपको मिले किसी भी राज्य से, किसी भी देश से रिलेटेड, स्टेटिक जीके के अंदर, वो सारा कुछ आपका कवर होना चाहिए। तो हर एक तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मात्र 60 क्वेश्चन हमने किए हैं इसके अंदर। आप जानते हैं कि सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर के, बैंकिंग के पेपर्स के, और बाकी सारी जो जीके है वो किसी भी एग्जाम की हो, सब कुछ आपके लिए एक जैसी ही होती है, वो सब लेकर आएंगे। तो आपको ये परेशान नहीं होना कि इजी है या टफ। अगर कंटेंट क्लियर है तो टफ क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा मैं, इंतजार कीजिएगा कल और परसों का भी, तो उसके अंदर आपको नई और वैरायटी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2.0 के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 120 तक की सीरीज कंप्लीट करनी आज हमें। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए भाई, भागवत मेला नाटक मुख्य रूप से किस स्थान से संबंधित है? क्योंकि ये एक फोक डांस जैसा ही है, ये नाटक नहीं है बेसिकली, ये एक तरह का इवेंट है। और ये इवेंट जो होता है भागवत मेला के नाम से, पहले आपको याद करना है कि किस राज्य में होता है, क्योंकि मुख्य तौर पर तो राज्य ही पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन अगर राज्य के अंदर भी आपको डिफरेंट नाम दिए जाए तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि वो कहां से रिलेट करता होगा। तो याद रखिए कि भागवत मेला नाटक ये भारत के तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। सबसे पहले ये भारत के तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है, और यहां पर याद रखना ध्यान से कि तमिलनाडु के अंदर भी एक जगह पड़ती है जिसे हम तंजावुर या थंजावुर कहते हैं बेसिकली, वहां से रिलेट करता है। तो आप तमिलनाडु स्टेट्स के आगे एक और नाम लिख सकते हैं फोक डांस कैटेगरी में, भागवत मेला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के बाद आप जानते हैं कि 2021 की जनगणना नहीं कराई गई, और अगली जनगणना जब भी होगी, यानी कि 16वीं जनगणना जब होगी भारत में, वो पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। लेकिन फिलहाल 2011 का ही डेटा आपको याद करना होगा। और हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर दिल्ली नहीं होगा भाई, याद रखना यहां पर मुंबई होगा। लगातार दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हो सकता है आपकी बार दिल्ली नंबर वन हो नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस में, लेकिन फिलहाल मुंबई होगा यहां पर। लेकिन अगर बात इसी के अंदर मैं बात कर लूं कि इस सवाल को थोड़ा सा बदल के पूछ लेता कि कौन से जिले की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र का ही एक जिला पड़ता है ठाणे नाम से। और अगर पूछ लेता किस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश तो ऑलरेडी आपको याद हो चुका होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, तेरताली मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है जो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? देखो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है सबसे पहले, जब आप मध्य प्रदेश लिखते हैं अपने पास फोक डांस के अंदर और उसके आगे स्टेट डिफाइन करते हैं कौन कौन से आते हैं, तो तेरताली या तेरा ताली भी कहते हैं इसे, यानी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरह से होगी। वालेकुम अस्सलाम भाई, जल्दी से बताएं मुझे, तो ये मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य फोक डांस है ये किस जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन घुमाकर पूछ रहा है आजकल एग्जाम के अंदर। तो याद रखेंगे एक ट्राइब यहां पर आता है कमर ट्राइब के नाम से, कमर या कमार ट्राइब कहेंगे आप इसे, इसके द्वारा परफॉर्म होगा या फिर मध्य प्रदेश का होगा ये फोक डांस। अगला क्वेश्चन है विषम का पता लगाएं, लेकिन हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करेंगे और हम यहां पर क्वेश्चन के विषम का पता लगाएं नहीं बल्कि सही चुने, चूज करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही कथन चुने, सही कथन चुने, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएंगे क्या है भाई। तो पहले आपको याद रखना है रिहान मैंने आपको करा दिया है और प्लीज आप उसे चेक कर लीजिए, और अभी बिल्कुल आप, क्योंकि आपके कमेंट से बाकी के कमेंट नहीं पहुंच पा रहे, तो सही कथन को चुनना है आपको। सबसे पहले याद रखना है कि है क्या चीज ये अपने आप में। देखो जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपको ये पता हो ये जो डाफला है ना ये ट्राइब का नाम है,
गारो भी एक ट्राइब है, पौमई जो है ये भी एक ट्राइब है, यानी कि एक जनजाति है ये। लेकिन ये जनजातियां कहां पर हैं? अब आपके पास एक पेज होना चाहिए जिस पर सिर्फ ट्राइब होंगी और एक तरफ राज्यों के नाम और सामने उसके ट्राइब लिखनी है। जो भी याद होता रहे वही आपको मेंशन करते हुए चलना है। तो पौमई जनजाति मणिपुर में होती है, यह बात बिल्कुल सही है। गारो जनजाति मिजोरम में होती है, यह बात गलत है। गारो और खासी जो मुख्य तौर पर है ये मेघालय राज्य में होती है। और अगर मैं डफला की बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यह भी गलत है, क्योंकि इस नाम की जो जनजाति है आपके पास अरुणाचल प्रदेश में होती है। तो अब आपके पास तीन राज्यों का जिक्र है, मणिपुर में पौमई और मेघालय में गारो और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति होगी। इस तरह से आप इवन और ऑड का कंफर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले किस नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है? देखो यहां पर याद रखना है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये कहां पर आता है। सबसे पहले आप जानते हैं ये भारत के उत्तराखंड राज्य में आता है, लेकिन साथ में याद रखना इसका पहले जो नाम था वो हैली नेशनल पार्क था, और इसी हैली नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट बना, और जिम कॉर्बेट का अब जो नाम है वो हो चुका है राम गंगा नेशनल पार्क। तो अब इसका नाम जिम कॉर्बेट भी नहीं है, इसका ऑफिशियली नेम सरकार ने चेंज करने के लिए डिफाइन कर दिया है कि राम गंगा इसका नया नाम होगा। तो हैली पहले था, फिर जिम कॉर्बेट हुआ और उसके बाद अब राम गंगा। और इसी तरह से देखो एक यहां पर है मौलिंग नेशनल पार्क, इसके अलावा डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। जिस तरह को याद होना चाहिए ये डिब्रू सेखोवा कहां पर है, तो देखो असम के अंदर आता है, ठीक है। इसी तरह से एक आपके पास मौलिंग नेशनल पार्क है, ये कहां पड़ता है, गोवा में पड़ता है, ठीक है। और उसी तरह वाल्मीकि नेशनल पार्क है आपके पास जो कि बिहार राज्य में आता है। इस तरीके से आप सारे राज्यों को भी डिफाइन कर सकेंगे। होपफुली बात समझ पा रहे कि किस तरह से एग्जाम में करना है, कि एक भी स्टेटमेंट आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमसे। सॉरी मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल में है, माफ कीजिएगा, और अलग है कुछ गोवा के अंदर, तो ये अरुणाचल में है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहां पर होगा, इसका मुख्यालय आपको बताना है। आपके पास सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ उनके ऑफिस, जनरली तौर पर ऑफिस ही पूछता है जीके के अंदर, लेकिन बाकी पता हो जैसे लंदन के अंदर, क्योंकि लंदन में तो बहुत सारे ऑफिस हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इंपैक्ट बताऊं जो इंपॉर्टेंट है लंदन के अंदर। जैसे एक आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, याद होगा आपको कि एक संस्था है एमनेस्टी के नाम से, और वो संस्था जो कि मानव अधिकारों के लिए काम करती है उसका लंदन में है। एक संस्था है देखो याद रखना जिसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जो समुद्री सीमाएं होती हैं उसे मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं यहां पर, उसका भी कहां पर होगा, लंदन में होगा। अगर बात वॉशिंगटन की करें तो बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड बैंक है इसका भी वॉशिंगटन में है, और जो IMF नाम का संगठन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम का, इसका भी वर्ल्ड ऑफिस वॉशिंगटन में है। जेनेवा की बात करें तो WTO का हो, WHO का हो, ILO का हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हो, या इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि जेनेवा में स्थित हैं। लेकिन अगर बात वियना की करें, जो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, देखो जो एक संगठन है ओपेक नाम से, जो पेट्रोल की सप्लाई करता है दुनिया भर में ओपेक, उसका वियना में है। अगर बात करें IAEA के बारे में, इसका वियना में है। यूनिडो की बात करें, UNO का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी वियना के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको गलत नहीं करना, बस इस बात को ध्यान में रखना है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस, ये बहुत आसान सा है क्योंकि बार बार पढ़ते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस की बात करें, यानी दालों से रिलेटेड संस्थान। हमने सारे इंस्टीट्यूशंस की बात की हुई है, सब कुछ याद करना है वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि
रांची के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूट है, झारखंड के रांची के अंदर अगर आप इंस्टीट्यूट बताते हो, सिर्फ आंसर को नहीं रटना यहां पर, तो आपको यह पता होगा यहां पर एक इंस्टीट्यूट है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लैक रिसर्च बोलते हैं इसे, तो ये एक तरह का कीट होते हैं जो, तो लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपके पास, लाख रिसर्च संस्थान, ये रांची के अंदर है। बात अगर कटक की करें, कटक जो कि उड़ीसा में आता है, तो याद रखना नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो चावलों के लिए, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके पास कटक में आता है। तो इस तरह से आपको दो याद रखने हैं, और साथ में ये भी याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस जो होगा आपके पास वो कानपुर के अंदर होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस कानपुर में होगा, दालों से रिलेटेड जो संस्थान होगा। तो लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी आप साथ में याद रखेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख के बताइए मुझे, शरद जोशी सम्मान जो होगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, देखो याद तो करना ही पड़ेगा हर तरह के क्वेश्चन को, शरद जोशी सम्मान निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, और सबसे पहले याद रख के बताओ मुझे यह सम्मान कौन सी राज्य सरकार देती है, क्योंकि हर राज्य सरकार के डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं। जैसे आपको याद होगा करंट अफेयर्स में एक हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज अवार्ड की शुरुआत की है, यह हरियाणा सरकार लेकर आई है। उसी तरह से शरद जोशी सम्मान जो है यह मध्य प्रदेश एमपी की गवर्नमेंट देती है, और किसके लिए देती है, तो याद रखना कि यहां पर जो निबंध लिखे जाते हैं और जो व्यंग्य किए जाते हैं, व्यंग और निबंध से रिलेटेड चीजों के लिए शरद जोशी सम्मान होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए निम्नलिखित में कौन सा राज्य मेवाड़ पुरस्कार प्रदान करता है, तो मेवाड़ अवार्ड जो है जिसके तहत लगभग समाज सेवा के लिए, देखो यह भी याद रखना है, अगली बार हो सकता है कि यह मेवाड़ अवार्ड किस लिए दिया जाता है, सामाजिक कार्य या फिर समाज सेवा के लिए, और मेवाड़ का जो क्षेत्र है बेसिकली किस राज्य में आता है, तो सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है मेवाड़ अवार्ड, क्योंकि मेवाड़ का जो पूरा एक स्थल हुआ करता था, यह पहले कभी राजस्थान का, जो आज ओरिजिनल राजस्थान एक्चुअली वहां हुआ करता था, लेकिन मेवाड़ जो है अभी हरियाणा राज्य में आता है, तो बेसिकली मेवात बना है, मेवाड़ बना है वहां से, लेकिन यह अवार्ड दिया जाता है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो हर राज्य के विशेष अवार्ड का नाम याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 2022 में प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये, इसमें भारत की रैंक क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप ये बताओ मुझे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, अगर पूछ ले कि इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, ये रिपोर्ट कौन लेकर आता है और इसमें नंबर वन कौन है, तो याद रखना इस रिपोर्ट को बनाने वाली संस्था को बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। एक संस्था के बारे में, एक इंडेक्स के बारे में जनरली हमें तीन इंफॉर्मेशन होती हैं, उसको पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा, लेकिन साथ में आप मुझे बताएं कि इस 2022 में आने वाली रिपोर्ट में जो नंबर वन की पोजीशन है, नंबर एक है, ये किसे मिला है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की हम बात कर रहे हैं यहां पर, चलिए भाई तो होपफुली आपको यह बात समझ में आ जाएगी। और इस 2022 की रिपोर्ट यह कहती है कि नॉर्वे जो है हमारे पास, क्योंकि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि नॉर्वे जो है यहां पर पत्रकारों को आजादी सबसे ज्यादा मिली है, जबकि सबसे आखिरी नंबर पर आता है नॉर्थ कोरिया, जो उत्तरी कोरिया है इस रिपोर्ट में वो 180 यानी कि सबसे आखिरी नंबर पर है। सवाल भारत के लिए पूछा गया है, तो याद रखेंगे कि भारत की रैंक इसमें 150 यानी कि 150 नंबर भारत का होगा। बात क्लियर है भाई, यहां पर पीडीएफ में हम कोशिश करेंगे आपके पास कि सब कुछ अवेलेबल करा दें। वैश्विक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का प्रकाशन हर साल किसके द्वारा किया जाता है, देखिए कल हमने बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ी थी और उन रिपोर्ट्स के अंदर वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया था मैंने। मैं चाहता हूं आप मुझे याद कर करके बताओ पहले कि हमने क्या क्या पढ़ा था वर्ल्ड बैंक को लेकर। आपको याद होना चाहिए वर्ल्ड बैंक में एक आया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, याद होगा,
एक आया था इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट के नाम से, यह भी वर्ल्ड बैंक बनाता है। यूनिवर्सल हेल्थ नाम से एक रिपोर्ट बताई थी मैंने, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के नाम से, इसे भी वर्ल्ड बैंक बनाता है। आपको याद होगा एक बताई थी पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के नाम से, इसे भी वर्ल्ड बैंक बनाता है। और मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट आती है जिसे कि हम कहते हैं क्या, ईज ऑफ डूइंग के नाम से, तो ईज ऑफ डूइंग की रिपोर्ट जो होती है बेसिकली इसको भी वर्ल्ड बैंक बनाता है। तो अगर ये माइंड में रुक जाती है बातें एग्जाम तक भी कि पांच ऐसी स्पेसिफिक रिपोर्ट बताइए जो वर्ल्ड बैंक तैयार करता है इसके अलावा, तो यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इसे आईएमएफ बनाता है। तो आईएमएफ की बहुत सारी रिपोर्ट आती है डिफरेंट, लेकिन सबसे काम की जो है देखो मैं आपको बताऊं वो होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक, सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और इसके अलावा एक रिपोर्ट आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट ऐसी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से, जिसे कि वर्ल्ड बैंक बनाता है। ईज ऑफ डूइंग बंद हो चुकी है लेकिन रिपोर्ट तो है अपने आप में और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यूएनओ स्पेसिफिकली कोई नहीं बनाता, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो एक रिपोर्ट आती है जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक नाम से इस रिपोर्ट को बनाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चीजें रिपीट होती रहेंगी, बार बार करोगे, जितनी बार करोगे उतना याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने अभी अभी कराया बिल्कुल, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो हर साल लाई जाती है इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो देखो अभी आंसर हमें मिल चुका है क्योंकि हम इसे याद कर चुके हैं क्लास के अंदर ही कि आईएमएफ की दो मेजर रिपोर्ट्स बताई थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी लेकर आता है और साथ में इकोनॉमिक आउटलुक लेकर आता है, वर्ल्ड बैंक की बताई थी। लेकिन कल एक रिपोर्ट डिस्कस की थी जिसमें भारत का नंबर 135 है और मैंने आपको याद कराया था उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो जो रिपोर्ट हम कल कर चुके थे उसे कहते हैं जेंडर गैप के नाम से। तो अगर पूछे कि जेंडर गैप रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है तो वो WEF करता। और अगर बात करें ADB की तो एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एशिया के डेवलपमेंट की एक स्पेशल रिपोर्ट होती है जिसे ADB बनाता है। तो जब आपके पास एक पूरा पेज हो जिसपे सारी रिपोर्ट्स लिखी हो और साथ में उसको पब्लिश करने वालों के नाम, तो जो कुछ भी नया मिले, ऐड करने की इंफॉर्मेशन मिले, उसे आप ऐड करते हुए चलेंगे। तो सही आंसर होगा IMF। गुरेज इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। चलिए भाई बताइए मुझे, चलिए भाई पहले बात समझो। रिहान भाई ब्लॉक हो जाओगे आप, स्टूडेंट कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं, बट फिलहाल तो अभी बिल्कुल क्लास पर फोकस करके बताइए मुझे, गुरेज किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, कब मनाया जाता है बेसिकली इसको, और किस राज्य से संबंधित है ये, इसके बारे में आंसर करेंगे सबसे पहले। गुरेज किस राज्य से संबंधित त्योहार होगा, देखो क्योंकि मैंने कहा है आपको सारे त्योहार याद रखने, और फाइनली अगर आप देखें कि जम्मू कश्मीर में भारत में बहुत सारे त्योहार होते हैं, होपफुली इनमें से एक त्योहार आपके पास है गुरेज के नाम से। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में कई सारे त्योहार हैं, हालदा के नाम से, साजो के नाम से है, अरुणाचल प्रदेश में त्योहार होते हैं, और अरुणाचल में एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार मैं आपको बताऊं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक मोपिन नाम का फेस्टिवल होता है और एक तौरगिया के नाम से भी होता है अरुणाचल के अंदर। ये दो अगर आप अरुणाचल की याद कर लेते हो तो बहुत काम आएगा। अगर बात सिक्किम की करूं तो सिक्किम में तो कई सारे त्योहार होते हैं, लेकिन इसमें से एक त्योहार है बेखू के नाम से, इसको आप स्पेशली याद रखना, बेखू नाम का फेस्टिवल सिक्किम में होता है। इसी तरह से आप एक और याद कर सकते हैं सिक्किम के लिए, यहां पर वंशुवा नाम से और बेशागू के नाम से भी होता है, ये सब एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अभी एक वंशुवा के नाम से और एक बेशागू के नाम से होगा, बेसिकली ये सारे त्योहार भारत के सिक्किम राज्य में मनाए जाते हैं। बात करें अगर जम्मू कश्मीर के बारे में,
सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश, माफ कीजिएगा, ये बेखू, वंशुवा और बेशागू जो है, यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, ये बिहू भी होता है असम के अंदर, ये असम राज्य के त्योहार है। बात यहां पर हमने की थी कि एक फेस्टिवल होता है बेसिकली जिसे गुरेज कहा जाता है, ये गुरेज फेस्टिवल जो है ये कश्मीर में होता है। इसी तरह से एक फेस्टिवल है, इसको भी जम्मू कश्मीर में होता है, और इसके अलावा एक और फेस्टिवल आपको याद रखना है जिसे अहरबल कहा जाता है, ये भी जम्मू कश्मीर में होगा। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आएगी। मैंने हिमाचल का नाम भी लिया और हिमाचल के भी कुछ फेस्टिवल का जिक्र किया, जैसे हालदा और साजो नाम के त्योहार है, हालदा और साजो। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो हमें दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चलिए अगला बताएंगे मुझे, नौखई उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो नौखई के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था और बार बार ये डिस्कस करते रिवाइज करते हुए चल रहे हैं कि उड़ीसा के नाम के आगे हमें बहुत सारे फेस्टिवल लिखने थे, जिसमें मैंने आपको बताया था उड़ीसा के अंदर एक राजा प्रभा भी होता है, याद आ रहा होगा कल डिस्कस किया था। इसके अलावा एक नवकलेवा के नाम से होता है, ये भी उड़ीसा राज्य में होता है। धानु जात्रा, बाली जात्रा जो होती है, धानु जात्रा है या बाली जात्रा है, ये भी अरुणाचल में सॉरी उड़ीसा में होता है बेसिकली। इसके अलावा आप जानते हैं जगन्नाथ की जो पूरी रथ यात्रा है वो उड़ीसा के अंदर होती है। बोईटा बंदना के नाम से होता है, बोईटा बंदना नाम का एक त्यौहार है, आप इसे लिखेंगे उड़ीसा के अंदर। एक त्यौहार मनाया जाता है शीतल साथी के नाम से, शीतल साथी कहते हैं इसे, ये भी उड़ीसा में होता है। तो सबसे ज्यादा त्यौहार उड़ीसा में मनाए जा रहे हैं, और मैंने कहा जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा जो है, पूरी रथ यात्रा जो होगी बेसिकली ये भी यहीं पर होगी। इसके अलावा जो नौकरी फेस्टिवल है वो भी होगा यहां पर। तो कुल मिलाकर आप देखें उड़ीसा में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स हमें जो स्पेशली याद रखने हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं झारखंड में क्या होता है, पश्चिम बंगाल में क्या होता है, बिहार में क्या होता है, देखो बिहार में कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक त्यौहार नहीं मनाए जाते, बंगाल में भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होंगे। हाँ, झारखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे सरहुल कहा जाता है। तो सरहुल अगर आपसे पूछ ले कहां का है तो वो झारखंड का होगा। और एक फेस्टिवल और आता है यहां पर सोहराई के नाम से, सरहुल और सोहराई ये दो फेस्टिवल हैं जो झारखंड के लिए आपको याद रखने हैं। तो आपकी लिस्ट को बेटर बनाने के लिए काम आएंगे सब कुछ, सारे त्यौहार याद रखने हैं। चलिए भाई, तो सरहुल कहां का होगा, सोहराई कहां का होगा, झारखंड के होंगे। तौरगिया फेस्टिवल कहां से बिलोंग करता है, देखिए अभी मैंने डिस्कस किया क्लास में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजें आसान बन जाती है थोड़े समय के बाद। तौरगिया फेस्टिवल का संबंध कहां से होगा, तो अभी हमें क्या याद करा, मोपिन कहां से, अरुणाचल से है। तौरगिया कहां से, अरुणाचल से है। और साथ में मैंने आपको बताया सिक्किम के बारे में बात कर रहा था, तो लोसोंग नाम से एक फेस्टिवल है, लोसोंग के नाम से वो कहां पर है, तो वो सिक्किम के अंदर आता है। कल मैंने बताया था आपको संगाई फेस्टिवल कहां होता है, तो आपको याद होगा संगाई फेस्टिवल मणिपुर में होता है। कचाई लेमन फेस्टिवल कहां पर होता है, याद रखो तो कचाई लेमन फेस्टिवल भी मणिपुर में होता है। इसे ऐड करते हुए चल रहे होंगे होपफुली आप लोग, ये मणिपुर में होता है। इसी तरह से देखो एक यहां पर और होता है शुमंग लीला के नाम से, याद रखना ये शुमंग लीला फेस्टिवल कहां पर होगा, तो ये भी मणिपुर में होगा, शुमंग लीला फेस्टिवल होगा। बात क्लियर है भाई यहां तक। तो मणिपुर में कुछ नए पॉइंट याद करा दिए, नागालैंड को आप याद कर सकते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मुख्य तौर पर मनाया जाता है, और उसके अलावा भी कई सारे फेस्टिवल हैं, और उनमें से एक है सक्रेनी फेस्टिवल के नाम से। स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है लेकिन इतना याद रखेंगे, और फिलहाल इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। मिजोरम का है चापचार कुट, वो मिजोरम में जाएगा भाई। भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। कल हमने बात की थी कि भारत में जो रामसर स्थल है भारत में वो 75 हैं,
सबसे ज्यादा ब्रिटेन में 175 है, याद होगा यूके में, यानी ब्रिटेन में, भारत में 75 है। और साथ में यह भी बताया था कि भारत में जो पहला बना था, भारत का फर्स्ट जो बना था वो चिल्का लेक बनी थी, जो कि उड़ीसा में आती है, चिल्का लेक। लेकिन अब सवाल पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया आपने, तो याद रखना कि सबसे ज्यादा जो है आउट ऑफ 75 जो भारत में है, तमिलनाडु राज्य में आते हैं 14। तो 14 रामसर स्थल है भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर। लेकिन पहले जो आंसर था वो उत्तर प्रदेश होता था, तब वहां पर 10 थे, लेकिन आंसर बदलकर तमिलनाडु होगा। भारत की ओर से प्रथम विश्व धरोहर स्थल की घोषणा किस वर्ष की गई थी। जो भारत में विरासत स्थल है, जो भारत में हेरिटेज साइट मैंने आपको बताई, याद आ रहा होगा कि भारत में एक टेंजिबल वाली है, जो जनरली तौर पर बात करते हैं वो 40 है, और जो इंटेंजिबल वाली है, मैंने आपको कल याद कराया दोबारा से, तो आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट करके सभी, भारत में कितनी अमूर्त विरासत स्थल है। लेकिन सवाल है कि सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहले याद रखना 1983 में एक्चुअली भारत में 4 चुने गए थे, जिसमें एक अजंता की गुफाएं थी, एक एलोरा की गुफाएं थी, इसके अलावा एक ताजमहल था उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक आपके पास था आगरा का किला, आगरा फोर्ट, ये भी आपके पास आगरा यानी उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर आप कहेंगे कि 4 विरासत स्थल सबसे पहले चुने गए थे भारत में, और यह हुआ था 1983 में। तो भारत में 40 हेरिटेज हैं टेंजिबल वाली, और 14 हेरिटेज है इंटेंजिबल, जिसमें दुर्गा पूजा को सबसे लास्टली ऐड किया गया, और जो टेंजिबल है इसके अंदर धोलावीरा गुजरात का, इसे लास्ट में ऐड किया गया है। चलिए पीडीएफ यहीं पर मिलेगी भाई, डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ का लिंक होगा कमेंट बॉक्स में, और कल की पीडीएफ में ऑलरेडी अपलोड करा चुका हूं। अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है वो किस शहर में स्थित है, तो आपको याद आ जाना चाहिए सारे भारत के जितने एयरपोर्ट हैं। अगर हम भोपाल की बात कर रहे हैं सर, तो यहां पर तो राजा भोज एयरपोर्ट होगा। बात इंदौर की कर सकते, नागपुर की करें तो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर होगा, भीमराव अंबेडकर जी होंगे। रायपुर की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर होगा। तो इस तरीके से आपको ये डिफरेंट याद है अगर, तो ये पता चल गया कि इसके अलावा जो इंदौर का बचा है वही होगा रानी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर, क्योंकि हाल ही में कुछ नए नाम भी रखे गए। मैंने आपको बताया मनोहर पारिकर एयरपोर्ट गोवा में बन रहा है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है, इसके अलावा भी डोनी पोलो एयरपोर्ट के नाम से अरुणाचल में बनाया गया, और सुरेंद्र साई के नाम से ये उड़ीसा के झारसुगड़ा में बनाया गया। तो डिफरेंट नए एयरपोर्ट्स भारत में क्रिएट किए जा रहे हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय का मंत्री कौन है इस समय देश में, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यह सिर्फ याद नहीं रखना है, मुझे याद रखना ध्यान से कि सिर्फ नाम बता दो आप, मुझे बताओ पहले गिरिराज सिंह जी के पास कौन सा मंत्रालय है, यह बताओ भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है। क्लास में सबसे, चलिए कौन से स्टेट में ज्यादा है, तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल, सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स, अच्छा बात कर रहे हैं आप, तो हेरिटेज साइट्स में डिफरेंट होगा, लेकिन पशुपति कुमार पारस के पास बताओ, और वीरेंद्र कुमार जी के पास कौन सा मंत्रालय। देखो याद रखो, यहां पर आपको याद भी रखना है कि पशुपति कुमार पारस जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग आती है, जो फूड प्रोसेसिंग का मंत्रालय वो आता है। इसके अलावा गिरिराज सिंह के पास जो रूरल डेवलपमेंट वाला मंत्रालय है, और साथ में जो पंचायती राज मंत्रालय है ये भी आता है। तो दो मंत्रालय आते हैं इनके पास, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज वाला। और वीरेंद्र कुमार जी की बात अगर मैं करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाला ये एक मंत्रालय है, ये इनके पास आता है। लेकिन अगर बात करते हैं यहां पर भूपेंद्र यादव जी, तो जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है ये मंत्रालय भी आता है, और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला पूरा मंत्रालय है, वो भी इन्हीं के पास आता है। कुल मिलाकर सही जवाब होगा भूपेंद्र यादव, लेकिन इससे आपको बाकी डिटेल्स भी याद रखनी पड़ेगी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर होगा, जो
चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है पशुओं की चिकित्सा को लेकर, तो आपको याद करना है कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो होगा, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो होगा, तो यहां पर इंपॉर्टेंट होगा कि ये उत्तर प्रदेश के बरेली में आता है। लेकिन कानपुर में कौन सा आता है, मैंने आपको बताया जो दाल अनुसंधान है वो आता है, यानी कि पल्सिस को लेकर, दालों को लेकर आता है। जो लखनऊ में है वो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ड्रग्स यानी कि दवाइयों को लेकर जो इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है। मेरठ में ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं बना हुआ है, तो यहां आपको याद रखना है। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन जो होती है, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें एक कंफ्यूजन होती है कि सर एक एनिमल हेल्थ को लेकर होता है। देखो यहां पर याद रखना, एक होता है एनिमल वेटरनरी के नाम से और एक होता है एनिमल हेल्थ को लेकर। जो एनिमल हेल्थ वाला है भाई, ये बागपत में है और बागपत जो है ये बड़ौत में आता है, यानी कि बागपत बड़ौत के पास पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और एक होता है एनिमल वेलफेयर को लेकर, क्योंकि इसमें हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं क्या पूछा जा रहा है। और जो एनिमल वेलफेयर को लेकर बनता है ये फरीदाबाद में है, जो कि हरियाणा में आता है। तो डिफरेंस याद हो रहा है भाई, यहां पर एक उत्तर प्रदेश में है, एक हरियाणा में, और उसके अलावा एक आपके पास भी दूसरा, यानी उत्तर प्रदेश बरेली में स्थित है। नेक्स्ट पर आते हैं, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है। रामायण म्यूजियम कहां पर होगा, हमने कल याद किया था महाभारत म्यूजियम के बारे में, तो महाभारत रिसर्च सेंटर जो होगा वो प्रयागराज के अंदर होगा। लेकिन जो रामायण पर बना संग्रहालय होगा ये अयोध्या के पास पड़ती है जगह, अयोध्या और बाराबंकी का एक क्षेत्र पड़ता है, यानी उसके मिड के एरिया के अंदर ये डिफाइन किया गया है। लगभग 25 एकड़ जमीन है जो स्पेसिफिकली रामायण म्यूजियम के लिए दी गई है, अयोध्या में होगा। चीन के साथ भारत कितनी लंबी सीमा साझा करता है, और अभी आपने देखा कि भारतीय सैनिकों ने किस तरह से चीनी सैनिकों को जवाब दिया, चीनी सैनिकों को यानी आने ही नहीं दिया अपने देश के क्षेत्र के अंदर जो सीमा है। और फिलहाल ये जो वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन कोई भी न्यूज चैनल ये नहीं बता रहा अभी फाइनली कि इसकी पुष्टि की जा रही है, लेकिन सभी को गर्व है कि जिस तरह से वीडियो बताती है कि भारतीय सेना ने किस तरह से डटकर मुकाबला किया। और ऑब्वियस है इस छोटे से वॉर कह लीजिए, एक तरह से छोटी सी वॉर में भारत को जीत मिली है, लेकिन भारत के कितने राज्य आते हैं पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो भारत की बात अगर आप कर रहे हो यहां पर, तो देखो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि भारत सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो ऑब्वियस है कि बांग्लादेश के साथ करता है, लगभग 4096 किलोमीटर की। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें चीन के साथ कितनी लंबी सीमा है, तो वो भी याद रखना पड़ेगी आपको, तो लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा है, 3488 किलोमीटर की सीमा है लगभग। और ये सीमा साझा करते हैं भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और हम जानते हैं कि ये 5 राज्य और केंद्र शासित जो होंगे, लद्दाख होगा, हिमाचल होगा, उत्तराखंड होगा, सिक्किम होगा और अरुणाचल प्रदेश होगा। ये 5 होंगे भारत के जो चीन के साथ करते हैं, यानी भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा, दूसरी सबसे लंबी सीमा जो होती है वो चीन के साथ, और तीसरी जो है वो पाकिस्तान के साथ, पहली है बांग्लादेश के साथ। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। देखिए भारत में सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर एक विधान परिषद भी होती है। विधान परिषद को राज्य की राज्यसभा कहा जाता है, जिस तरह हमारे पास लोकसभा राज्यसभा है संसद में, एक राज्य में विधान सभा होती है और एक विधान परिषद होती है। सिर्फ 6 राज्य ऐसे जहां पर यह ड्यूअल सिस्टम चलता है, और इन 6 राज्यों में हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है। देखा आप लोगों ने यहां पर बिहार आता है, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार उसी से आते हैं। उसके अलावा कर्नाटक में यह क्षेत्र चलता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के अंदर यह चलता है। तो फिलहाल भारत के 6 राज्य हैं और उसमें एक व्यक्ति का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होगा, सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होगा राज्यसभा की तरह। नंदा झील भारत के किस राज्य में स्थित है। सारी झीलें याद कर बैठे हैं, अगर आप नहीं किए तो आप नोट्स बनाकर चल रहे हैं साथ में। नंदा झील को अभी राष्ट्रीय जो महत्व की झील है वो बनाया गया, और ये रामसर स्थल में भी आता है। तो चलिए बताइए मुझे कि भारत में जो नंदा झील है, बेसिकली नंदा लेक,
ये किस राज्य में स्थित होगी? देखो मध्य प्रदेश में कई सारी झीलें आती हैं, महाराष्ट्र में झीलें आती हैं, गुजरात में आती हैं, लेकिन सारी झीलों में से आपको कुछ खास याद रखनी है भाई। तो सारी झील नहीं कर सकते आप, लेकिन उनमें से कुछ खास के नाम जरूर याद कर सकते हो। मैं आपको बताकर चलूं, जैसे अगर आप मुझसे बात करते हैं यहां पर झीलों के बारे में, जैसे एक लोनार लेक होती है, महाराष्ट्र में बताया था आपको कल शायद लोनार लेक है। जैसे मध्य प्रदेश में होती है साखिय सागर लेक, साखिय सागर लेक होती है जो मध्य प्रदेश में आती है। अगर हम बात गुजरात की करें तो गुजरात भी कई सारी जो झीलें हैं यहां पर, उसमें एक आती है सुर सागर लेक के नाम से, गुजरात में सुर सागर के नाम से आती है। लेकिन उसी तरह गोवा में आती है नंदा झील, नंदा लेक, तो ये गोवा में स्थित होगी। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर इरिटेरिया की राजधानी है जिसे अफ्रीका का मियामी कहा जाता है? मियामी एक जगह है अमेरिका के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप वहीं से बिलोंग करते थे, तो अफ्रीका का मियामी कहते हैं इरिटेरिया देश की राजधानी को। तो पहले आपको यह पता हो कि जो चार राजधानियां दी गई हैं ये कौन कौन से देश की, अगर आप ये क्रॉस वेरिफिकेशन जो एलिमिनेशन राउंड कर सकते हो ना, तो देखो बहुत मुश्किल आसान हो जाएगा। जैसे कि अक्रा किसकी राजधानी है, जुबा किसकी राजधानी है, जैसे याद होना चाहिए साउथ सूडान की राजधानी है अक्रा। मोगाडिशु किसकी राजधानी है, तो मोगाडिशु सोमालिया देश की राजधानी है। और अगर अक्रा की बात करें तो यह घाना देश की राजधानी होगा। तो इस तरीके से आप कहोगे कि फिर इरिटेरिया की राजधानी क्या बची, तो जो इरिटेरिया की राजधानी बची है यहां पर उसका आंसर याद हो जाएगा फिर तो आसानी से। चलिए भाई, तो एक है हमारे पास इरिटेरिया की साउथ सूडान की, और एक है मैंने बताया घाना देश की। सरह से आपको पता है कि अस्मारा जो राजधानी है, क्योंकि अफ्रीका के देशों की राजधानियां को याद करना रियली डिफिकल्ट है, बहुत बहुत मुश्किल है इसमें, लेकिन कोशिश की जा सकती है। निम्नलिखित में कौन बोत्सवाना की मुद्रा है, बोत्सवाना की मुद्रा यानी करेंसी है बोत्सवाना देश की। देखो यहां पर जो करेंसी पूछी है गैब्रॉन जो है वो इसकी राजधानी है, यहां थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं इसकी जगह एक पॉइंट लिख देता हूं सेडी के नाम से, इसे जो भी पढ़ा जाता हो वहां पर, लेकिन हम सेडी बोल देते हैं। और फिलहाल ये किस देश की है या किस राज्य की है, तो इसको याद रखना है। यूरो तो यूरोप के कई देशों में चलती है। जो कवांचा है, जो पुला है, देखो पुला राजधानी करेंसी है बोत्सवाना देश की, इसे बनाकर चलेंगे। कवांचा जो है ये अंगोला देश में चलती है, एंगोलियन कवांचा कहते हैं इसे, एंगोला देश की है। और सेडी की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि ये घाना देश की है, तो घाना देश की जो करेंसी है वो सेडी होगी। तो इस तरीके से आप बाकी जो करेंसियां हैं जनरली उनको याद कर सकते हैं, घाना की है सेडी के नाम से। तो यहां पर सही आंसर होगा पुला। अफ्रीका के देशों के नाम सामने, करेंसियां, राजधानियां, इस तरीके से फिल करते हुए चलेंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है बताइए? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये किस फील्ड से संबंधित होगा, और इसके तहत जो इनामी राशि दी जाती है लगभग 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये दिया जाता है हर साल हर बार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन साइंस, विज्ञान में उत्कर्ष योगदान करने के लिए। तो अभी हमने पढ़ा था मेवाड़ वाला सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है, इससे पहले पढ़ा था शरद जोशी सम्मान जो कि व्यंग्य और निबंध के लिए मध्य प्रदेश सरकार देती है, और शांति स्वरूप भटनागर है साइंस में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? नेओरा वैली जो है यह नेशनल पार्क है, और आपको बताना है कि यह नेशनल पार्क कहां पर आता है। चलिए भाई इसको याद रखेंगे, पहले ये बिहार में होगा, बंगाल में, झारखंड में, या फिर उड़ीसा राज्य में होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत में जो वेस्ट बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, उसमें कई सारे भारत के जो नेशनल पार्क से वो आते हैं, और उसमें से देखो एक आता है पश्चिम बंगाल में, सबको याद होगा सुंदरबन के नाम से, ये सबको पता है। एक आता है बक्सा के नाम से, ये सबको याद है लगभग। एक इसी में आता है नेओरा वैली के नाम से, ये भी वेस्ट बंगाल में आता है। एक आता है गोरुमारा के नाम से, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है,
एक गोरुमारा नेशनल पार्क है, ये भी इसी राज्य के अंदर आता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं इसके अंदर, जल्दापारा नेशनल पार्क, तो वो भी यही का होगा। तो कुल मिलाकर आप कहेंगे कि पांच ऐसे नाम हैं जो कि वेस्ट बंगाल के लिए फेमस हैं, क्योंकि सुंदरबन और बक्सा एग्जाम में नहीं पूछे जाते ज्यादातर, जल्दापारा, गोरुमारा या फिर आपके पास होगा न्योरा वैली के नाम से, वेस्ट बंगाल के अंदर है। चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा का मैंने कल ही बताया था, सिंपली पाल भी है, भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में होगा। एसडीजी में 2030 तक कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो 17 लक्ष्य आते हैं उसके अंदर जो विशिष्ट हैं यानी स्पेसिफिक टारगेट होते हैं 17 गोल्स के अलावा, देखो याद रखना एसडीजी में 17 गोल्स रखे गए हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करना है, और इसके अंदर 169 सब टारगेट्स भी रखेगा, इसका मतलब तो 17 गोल्स कहेंगे और 169 टारगेट्स कहेंगे इसमें, और इसको रखा है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको बनाया था 2015 में, और अगले 15 साल यानी 2030 तक इनको पूरा करना है, ये बात याद रहेगी। और इसमें सारे याद होने चाहिए कौन सा एसडीजी का नंबर किस चीज से संबंधित है, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर बसा है, चलिए भाई बिल्कुल बताइए मुझे, राखी कुमारी, मोइन, रवि, सुमेघा, सूर्यकांत। देखो जब तक आप अपनी सात चीजों को मेंटेन नहीं करोगे, स्पीड को भी मेंटेन नहीं करोगे, मुश्किलें बढ़ेंगी फिर। लेकिन अब देखो यहां पर कुछ याद करो, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर बसा है, और इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एक स्प्री नाम की रिवर है, बहुत सारे शहर होंगे लेकिन क्योंकि सारे याद नहीं कर सकते हम, यहां पर एक बहुत फेमस शहर आता है जिसे बर्लिन कहा जाता है। तो बर्लिन नाम का जो शहर है एक्चुअल में वो इस स्प्री रिवर जो है उसके तट पर बसा हुआ है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कई सारी रिवर है जिसे एक टीबर या टाइबर जो भी पढ़े आप इसे, जो इटली का रोम शहर है, इटली की राजधानी रोम वो बसा है। पोटोमैक शहर की बात करें, अमेरिका की राजधानी जो वॉशिंगटन डीसी है, जो मैरीलैंड का हिस्सा है, वो यहां बसा हुआ है। और हडसन की बात करें तो कई सारे शहर बसे हैं लेकिन सबसे फेमस है न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। तो सारे रिवर और उनके तट पर बसे हुए शहर याद है, भारत के भी और वर्ल्ड के कुछ फेमस भी, तो बर्लिन है स्प्री रिवर के तट पर। भारत में नवीनतम उच्च न्यायालय कहां बना है, क्योंकि भारत में 25 हाईकोर्ट्स हो चुके हैं और इन 25 हाईकोर्ट्स के अंदर सबसे उच्चतम न्यायालय जो बना है भारत के उच्चतम राज्य के अंदर, नवीनतम राज्य के अंदर, और अगर हम बात करें नवीनतम राज्य तेलंगाना बना था, राज्य की बात कर रहा हूं, तेलंगाना राज्य बना था लेकिन तेलंगाना को जो है वो उसका हैदराबाद दे दिया गया, तो फिर आंध्र प्रदेश को अमरावती बनाना पड़ा, तो अमरावती के अंदर है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जो सबसे लेटेस्ट है भारत में। अगरतला में भी है, इम्फाल में भी, और कोची के अंदर भी होगा जो केरला का है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है आपको बताना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करने वाला राज्य है वो तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों से टच करती है। भाई तो जो मध्य प्रदेश है आपके पास वो टच करता है, क्योंकि एक तरफ से उत्तर प्रदेश से भी करता है, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान से भी करता है, गुजरात से भी करता है, महाराष्ट्र से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है। फिर तो यहां पर जो पांच डिफरेंट स्टेट हैं, जो पांच राज्य हैं उनके साथ सीमा साझा करता है। तो पांच राज्यों के साथ मैंने आपको बताया यूपी है, राजस्थान है, ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गुजरात का हिस्सा है, महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा, इस तरीके से कुल मिलाकर पांच डिफरेंट स्टेट्स के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भाई चलिए नेक्स्ट पर आते हैं,
भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? क्योंकि यह विवाद बार बार आता है और यहां पर एक्चुअली तीन देशों का बॉर्डर है। तो इस काला पानी विवाद के पॉइंट पर इंडिया, नेपाल और चाइना जो है, इन तीनों का बॉर्डर आपस में लगता है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर ट्राई बॉर्डर बनता है, तीन देशों का बॉर्डर बनता है। तो ये जो काला पानी विवाद अगर आपसे पूछे कि बेसिकली ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके पास पिथौरागढ़ के अंदर। और हम जानते हैं पिथौरागढ़ कहां पर है, तो भारत के उत्तराखंड रीजन में पड़ता है पिथौरागढ़। और वहीं पर भारत और नेपाल का विवाद है। चाइना नहीं कहता कि काला पानी क्षेत्र हमारा है, लेकिन भारत और नेपाल दोनों इसको अपना बताते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछे कि ये क्षेत्र विवाद किसके साथ होगा, तो ये नेपाल के साथ होगा। संगोली की जो ट्रीटी थी 1815 में होने वाली, उसको मान्यता नहीं दी जाती है और इसी वजह से विवाद बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देशों में होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब होता है? देखो, किसी भी देश की आबादी को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। किसी देश की आबादी में देखो 14 साल तक के बच्चे होते हैं, 15 से लेकर 64 साल तक के और 65 या उससे अबव एज के लोग होते हैं। जिस देश के अंदर ये 15 से लेकर 64 वाले ज्यादा होते हैं, उस देश को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि उस देश के लिए जनसंख्या पॉजिटिव है, और जिसमें ये कम होते हैं उस देश के लिए जनसंख्या नेगेटिव हो जाती है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर युवा लोग रहते हैं, इसका मतलब तो भारत इसका यहां पर कहोगे जहां पर 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के लोग ज्यादा हो, वो देश की जनसंख्या उसके लिए पॉजिटिव होती है, लाभांश होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई थी? 2001 से 2011 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी थी भारत की? देखो, याद रखना कि करीब करीब 2001 में भारत की जनसंख्या जी थी, वो थी लगभग 102 करोड़ के आसपास। 2011 में ये हो गई थी लगभग 121 करोड़ के अराउंड में। इतना तो डिफरेंस याद होगा। यहां पर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 118.1 करोड़ कहते हैं आप इसे, क्योंकि 121 पॉइंट समथिंग थी, 18.1 करोड़ या इसे कहते हैं 181 मिलियन, यानी 18 करोड़ आबादी बढ़ गई थी 10 साल में भारत के अंदर। और इसी को अगर प्रतिशत में निकाला जाए तो लगभग 17.64 या फिर कई जगहों पर 17.7% लिखा जाता है। तो 17.7 या 17.64% जो होगा, इतनी आबादी बढ़ी थी। और अगर यही बात डेटा में पूछी जाती तो 18.1 करोड़ या फिर 181 मिलियन इसका आंसर होता। बात समझ में आ रही है यहां तक? चलिए, मैगिनॉट लाइन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? मैगिनॉट लाइन जो है वो किन देशों के बीच में सीमा बनाती है, बॉर्डर क्रिएट करती है? देखो, जर्मनी और फिनलैंड का तो आपस में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, क्योंकि फिनलैंड तो बहुत ऊपर कंट्री है और जर्मनी तो यूरोप में आती है। जर्मनी का और ब्राजील का कोई संबंध नजर नहीं आता, क्योंकि ब्राजील है वो तो की साउथ अमेरिका का पार्ट है, जर्मनी जो वो यूरोप का पार्ट है, ये दोनों तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते इसके आसपास के बॉर्डर में। अब बचता है कि मैगिनॉट लाइन जो होगी ये किसके बीच में सीमा साझा करने का काम करती है। तो बस अब इनमें से या तो पोलैंड के साथ या फिर फ्रांस के साथ होगा। तो हम जानते हैं जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जबकि पोलैंड तो रशिया का पड़ोसी है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये फ्रांस के साथ होगी, जर्मनी और फ्रांस के बीच में होगी। नौटंकी छोरा इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ये एक नृत्य, एक डांस फॉर्म है नौटंकी छोरा के नाम से, और आपको बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है। देखो, हर तरह का क्वेश्चन है, छोटे और बड़े दोनों तरह के। नौटंकी जो है एक डांस का फॉर्म है, आपको बताया गया जिस तरह से अलग अलग डांस हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे एक डांस आता है छपेली के नाम से, एक आता है कजरी के नाम से, एक आता है छपेली के नाम से, है ना। तो छपेली एक डांस है, नौटंकी एक डांस है, और ये सारे जो डांस फॉर्म है, जो डिफरेंट डांस फॉर्म है, ये उत्तर प्रदेश में आते हैं।
तो इसी में एक आता है नौटंकी छोरा के नाम से। हरियाणा का कोई इतना स्पेसिफिक फोक डांस वगैरह नहीं है स्पेसिफिकली, पंजाब में जो खास तौर पर आता है भांगड़ा तो सभी को याद रहता है, लेकिन एक आता है गिद्दा, तो गिद्दा के नाम से पंजाब में होता है। हिमाचल प्रदेश के भी अपने कुछ डांस फॉर्म से अलग, लेकिन उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। असम के अंदर होने वाला, देखो ये सवाल आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि कौन सी फाइट होती है, देखो इस तरह से, जैसे कि आपने कंबाला सुना होगा कर्नाटक का, जैसे कि जल्लीकट्टू सुना होगा आपने तमिलनाडु का, उसी तरह देखो एक होता है अहतगुड़ी के नाम से, अहतगुड़ी के नाम से ये असम में होता है, एक फेस्टिवल है बेसिकली, और ये फेस्टिवल में क्या होता है तो याद रखना, इसके अंदर बुफेलो जो होती है, बुफेलो की लड़ाई होती है याद रखना, तो ये जो बुफेलो है बुल फाइटिंग है, बुफेलो फाइटिंग है बेसिकली, भैंस की लड़ाई होती है। कंबाला में भी बुफेलो फाइटिंग ही होती है, जलीकट्टू में थोड़ा सा बदल जाता है, आपको याद होना चाहिए तमिलनाडु का। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जनसंख्या समस्या से संबंधित है, यानी इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जनसंख्या से रिलेट करती है। देखो यूनिसेफ जो होता है वो बच्चों की इमरजेंसी के लिए होता है, यूनेस्को जो होता है वो कल्चर साइंस और एजुकेशन के लिए होता है, यूएनएफपीए जो होता है वो पॉपुलेशन के लिए होता है, यूएनडीपी डेवलपमेंट के लिए होता है। तो यूएनएफपीए जिसका कि ऑफिस न्यूयॉर्क में बना हुआ है बेसिकली याद रखना, ये पॉपुलेशन से संबंधित रिपोर्ट देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस संबंधित से जुड़ा संगठन है, अभी अभी मैंने आपको याद कराया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, अब ये एकदम से याद आ जाना चाहिए माइंड में कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होगा। आप कहोगे सर अभी आपने याद कराया कि ये लंदन में है और ये बताया गया कि 1961 में बना था, 1961 में बना था, और ये तभी याद कर लिया हमने कि ये संगठन जो है वो मानव अधिकारों से संबंधित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो होगा बेसिकली वो कहां से रिलेट करता है आपके पास, लंदन से रिलेट करता है, वहां पर इसका मुख्यालय होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का शेयर बाजार कौन सा निकाय संभालता है, भारत के शेयर बाजार को कौन सी नियामक संस्था है जो कि रेगुलेट करती है, इसको चलाने का काम करती है। देखो हमने याद करा पीएफआरडी है, ये पेंशन के लिए करता है, नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए करता है, सेबी शेयर मार्केट को करता है, और आरबीआई जो होगा वो बैंक्स को करता है। लेकिन सेबी जो शेयर मार्केट को करता है, देखो याद रखना इस शेयर मार्केट के अलावा अगर आपसे पूछ लेता है जो क्रेडिट एजेंसियां होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, उनको कौन करता है, तो वो भी सेबी करता है। तो इस तरीके से हर एक संस्था और उसके आगे ये लिख सकते हो वो किस चीज के लिए बनी है स्पेसिफिकली, तो सेबी होगा इसका राइट आंसर। कैपियोरा किस देश का राष्ट्रीय खेल है, चलिए भाई कमेंट करके बताइए मुझे, और माधावीपुरी बच है, सुजीत पाला नामिका, भाई जितने लोग लाइव है इस समय होपफुली उन्होंने 40 क्वेश्चन जो अब तक हम करा चुके हैं वो बहुत अच्छे से किए होंगे और सभी के आंसर जो दिए हैं वो राइट होने चाहिए। लेकिन आप बताओ मुझे कैपियोरा के नाम से जो मार्शल आर्ट के ही जैसा कुछ कुछ है, ये किस देश का राष्ट्रीय खेल, अमेरिका का नहीं हो सकता, वहां का बेसबॉल है, इंडोनेशिया का नहीं हो सकता, वहां कल बताया था कि वहां पर बैडमिंटन होता है, इसराइल की बात अगर मैं करूं तो यहां फुटबॉल को राष्ट्रीय खेल मानते हैं, और अब बच्चा हमारे पास ब्राजील, तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कैपियोरा कहलाता है, कुछ मार्शल आर्ट जैसा ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, भारत का और बांग्लादेश का संयुक्त अभ्यास क्या होने वाला है। देखो इक्यूवेरिन जो है वो भारत का मालदीव के साथ है, ये लिस्ट में ऐड करते चलना है जो जो नया सीखने को मिले। भारत मालदीव के बीच होता है इक्यूवेरिन, प्रबल दोस्ती होता है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है प्रबल दोस्ती, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है खंजर, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है खंजर, तो इसका मतलब ए बी और डी नहीं हो सकते, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रीति अभ्यास, एक बार इंडिया में और एक बार बांग्लादेश में होगा। चलिए भाई अगला देखते हैं, दिवेही इज अ लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री, दिवेही किस देश की भाषा है, दिवेही के नाम से,
देखो ईरान की भाषा पर्शियन है, ईरान में पर्शियन यानी फारसी बोली जाती है, नेपाल में तो नेपाली ही बोली जाती है स्पेसिफिकली, म्यांमार में बर्मीज बोली जाती है, बर्मीज क्योंकि बर्मा था इसका पहले नाम, और मालदीव के अंदर जो बोली जाती है उसे दिवेही कहा जाता है। इसी तरह मलय जो बोली जाती है मलेशिया में, इसी तरह भूटान में जो बोली जाती है, कल पढ़ाया था जोंगखा के नाम से, और चीन में बोली जाती है मैंड्रिन के नाम से। तो याद आ गया होगा मालदीव की है दिवेही। किस देश की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है? कल हमने पढ़ा था डेनमार्क की संसद को फॉल्कडिंग कहते हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि स्पेन की संसद को क्या बोलते हैं? देखो स्पेन की संसद को कॉर्टेस बोला जाता है, इजराइल की संसद को नेसेट बोला जाता है, और मालदीव की संसद को पीपल्स मजलिस बोला जाता है। आपको यह याद रखने कि किस देश में संसद को क्या कहते हैं, तो इससे आपको आसान हो जाएगा कि सर स्पेन नहीं हो सकता, इजराइल नहीं, मालदीव नहीं, और नॉर्वे की ही संसद को स्टोर्टिंग कहते हैं, डेनमार्क की संसद को फॉल्कडिंग कहते हैं, और स्वीडन की संस्था को रिक्सडैग, जर्मनी को बर्नस्टैग कहा जाता है। इजी हो रहा, मंगोलिया में खुरल कहते हैं। रिक्स बैंक किस देश का सेंट्रल बैंक होगा? किस देश का सबसे बड़ा बैंक जो करेंसी इश्यू करता है वहां की, ये रिक्स बैंक के नाम से होगा। और मैंने कल बताया था, देखो रिक्स डैग बताया, रिक्स बैंक बताया, कुछ कुछ एक जैसे ही नाम है आपके पास, तो यहां पर एक नाम बनेगा स्वीडन, क्योंकि मैंने आपको नॉर्वे में बताया था नॉर्वे का बैंक होता उसे नॉर्जिस बैंक कहते हैं, नॉर्वे में नॉर्जिस बैंक कहते हैं, और स्विट्जरलैंड में स्विस नेशनल बैंक कहते हैं, यहां के सबसे बड़े बैंक को स्विस नेशनल बैंक कहते हैं। तो इसमें कुछ भी जो है वो डिफरेंट नहीं होता है भाई, और जब डिफरेंट नहीं है तो आसानी से आप उसको याद कर लोगे। तो जो डेनमार्क है हमारे पास, उसकी अगर हम बात करें, डेनमार्क का जो सेंट्रल बैंक होगा उसके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, तो डेनमार्क नेशनल बैंक ही कहेंगे उसे। पीली क्रांति का संबंध किससे है भाई? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे मुझे, येलो रेवोल्यूशन का संबंध, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जो पेट्रोलियम है देखो ये ब्लैक रेवोल्यूशन से आता है, जो जूट है आपको बताया था ये गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन से आता है, याद होगा। इसी तरह से जो तिलहन है ये येलो रेवोल्यूशन से आता है, और जो लेदर है इसे ब्राउन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये चार अगर आपको याद है इसका मतलब होगा ऑयल सीड तिलहन के लिए येलो रेवोल्यूशन है। हरिहर मेला किस राज्य में लगता है? देखो ये मेले बहुत सारे हैं, और ये मेला जो लगता है हरिहर मेला कहा जाता है बेसिकली, जिसे हरिहर फेयर कहां लगता है? राजस्थान में बहुत सारे फेयर लगते हैं, मैंने बताया बानेश्वर का मेला राजस्थान में लगता है। तो इसी तरह याद रखना ये जो हरिहर मेला है जो कि सोनपुर में आता है बेसिकली, और अगर सोनपुर का नाम आया तो आपको पता है कि ये बिहार राज्य की बात हो रही है। कल मैंने आपको बताया था गंगा सागर मेला कहां लगता है, जलपेश मेला कहां लगता है, वो दोनों वेस्ट बंगाल में लगते हैं। बागुरुम्बा इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच? देखिए यहां पर कुछ नए नाम मिल रहे होंगे, ये बागुरुम्बा जो है ये कहां की डांस फॉर्म है? चलिए भाई बताइए मुझे, ये असम में है, सिक्किम में, कहां पर होगी बागुरुम्बा के नाम से? बागुरुम्बा जो डांस की एक फॉर्मेट है, जो बेसिकली बागुरुम्बा किससे बना है? बोरो से या बोडो जनजाति से, और ये बोडो है, बोडो ट्राइब होती है, कहां मिलती है? तो याद रखना जो बोडो है वो असम की भाषा है, जो बोरो भी कहा जाता है बेसिकली। तो ये बागुरुम्बा जो डांस है ये असम क्या स्पेसिफिकली होगा, असम और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर, तो असम के आगे इसको जरूर मेंशन कर लीजिएगा। कलबेलिया किस राज्य की डांस फॉर्म है? हमने कल बात की है राजस्थान का, जब भी जिक्र आता है तो राजस्थान का डांस घूमर सबको याद है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करूं मैं तो कलबेलिया, क्योंकि ये भारत की जो 14 अमूर्त विरासत है भारत में उसमें शामिल किया जाता है, याद रखना, और ये कलबेलिया राजस्थान से रिलेट करता है, कलबेलिया डांस फॉर्म राजस्थान का होगा। कौन सी पुस्तक शिव शंकर मेनन जी के द्वारा लिखी गई है? देखो बहुत सारी किताबों पे क्वेश्चन आते हैं, फेमस किताबों को याद रखना होता है, हर किताब को याद नहीं रखना। यहां पर एक किताब दी गई है कि शिव शंकर मेनन जी के द्वारा कौन सी लिखी गई, देखो एक किताब है वेयर अबाउट्स के नाम से,
इसे लिखा जाता है जुम्पा लेहड़ी जी के द्वारा, इसे लिखा गया है, बहुत फेमस लेखिका है जुम्पा लेहड़ी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के नाम से एक किताब है जिसे प्रियम गांधी ने लिखा है, डेमोक्रेसी डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी के नाम से जो किताब है इसे सौम्या सक्सेना ने लिखा है। तो इसका मतलब आपको पता है कि अगर ये तीन किताबें हम जानते हैं कि अलग अलग लोगों ने लिखी है, तो इसका मतलब इंडिया एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स जो पिछले साल 2021 में लॉन्च की गई थी, किताब को रिलीज किया गया था, यानी वही है शिव शंकर मेनन की। इनमें से सही तरीके से मैच करना है कि कौन सी जो वेटलैंड है यानी रामसर साइट है हमारे पास, वो किससे मैच करती है, वो किससे रिलेट करती है। देखो अगर आपको याद रखना हो, यहां पर हैदरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोकटक जो है आपके पास ये मणिपुर से आता है, ध्यान रखना जो लोकटक वाला है ये आपके पास मणिपुर में होगा। जो अष्टामुड़ी है ये केरल में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो कजुवेली के नाम से है आपके पास ये तमिलनाडु में होगा। इस हिसाब से करेंगे तो पहले का ए का वन होगा, कोई डाउट नहीं है, ये नहीं हो सकता। मतलब जो डी के साथ है वो डी के साथ दो होना चाहिए, और डी के साथ दो यहां है यहां नहीं है, इसका मतलब आप कहोगे कि ए के साथ पहला, बी के साथ चौथा, मणिपुर हो जाएगा, सी के साथ और फिर डी के साथ करेंगे। सत्तम कोटा झील कहां पर स्थित है? देखिए सारी झीलें और डांस सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं फिलहाल के लिए, सत्तम कोटा झील कहां पर है? तो तीन मुख्य झीलें केरल में आती हैं, एक पेरियार लेक आती है, सत्तम कोटा लेक आती है, और उसके बाद अष्टामुड़ी जो है वो भी केरल में आती है। तो भारत के केरल राज्य से संबंधित जो झीलें हैं वो सबसे ज्यादा फेमस होंगी एग्जाम के लिए भी, और आपको वैसे जो डिफरेंट अलग अलग करंट अफेयर्स में जब सवाल आते हैं तभी कई बार पूछ लेता है। तो बस फिलहाल आपको इतना याद रखेंगे जो डिफरेंट है हमारे पास वो केरल राज्य से रिलेट भी करेगा, ठीक है भाई। तो वेबनाड भी होगा, सत्तम कोटा भी होगा, और बाकी झीलें भी होंगी केरल राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से, थोड़ा सा रह जाता है जो। 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को टैक्स का कितना हिस्सा प्रोवाइड करेगी? जो देश में 15वां वित्त आयोग चल रहा है इसके जो चेयरमैन बने हुए हैं उनका नाम है नंद किशोर सिंह, इनके सिंह होते हैं जो, और इनके हिसाब से 2021 से लेकर 2026 के 5 सालों के लिए भारत की सरकार कितना हिस्सा राज्यों को देगी? 41% देगी, 41%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग कितना औसत आता है? 121 करोड़ की आबादी है जो, और 121 करोड़ की आबादी जो लगभग लगभग है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, तो वो आता है 382 लोग लगभग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। वंसदा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? वंसदा नेशनल पार्क कहां पर आता है? देखिए आपको सारे याद करने हैं, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, जिसे गुरु घासीदास के नाम से याद होगा। लेकिन अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में कई सारे नेशनल पार्क है, जैसे गिर नेशनल पार्क है यहां पर, ब्लैकबक नेशनल पार्क है यहां पर, यह भी गुजरात में आता है, और इसी में से एक इंपॉर्टेंट है आपके पास वंसदा नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में आता है। तो गुजरात का है वंसदा नेशनल पार्क। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो 7वां पे कमीशन लाया गया था 1 जनवरी 2016 को, उसका अध्यक्ष कौन था? और इसने आकर कहा था कि सैलरी में 23.55% सैलरी में, और जो एम्प्लॉई पेंशन लेते हैं उनके लिए 24% जो वैल्यू है बढ़ जाए। तो पेंशन 24% और सैलरी जो है 23.55% बढ़ा दिया गया था। 7वें पे कमीशन ने 2016 में आकर, उसके चेयरमैन थे अशोक कुमार माथुर, एके माथुर के द्वारा किया गया था। काले धन से संबंधित, ब्लैक मनी से संबंधित कौन सी समिति है? अगर आपने कल मेरे साथ क्लास पढ़ी थी तो आंसर तैयार होगा आपका बिल्कुल, क्योंकि आपको मैंने याद कराया था कल
ब्लैक मनी से रिलेटेड जो होगी वो एमबी शाह कमेटी होगी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो होगी वो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से संबंधित होगी, और गाडगिल कमेटी जो होगी, गाडगिल ने जो फॉर्मूला दिया था अलग अलग चीजों के लिए, लेकिन इसमें एक आता है लीड बैंक नाम से, उसके लिए लाई गई थी। फिलहाल सवाल जो पूछा जा रहा है वो ब्लैक मनी को लेकर है। तो ये 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने इस कमेटी को बनाया था ब्लैक मनी से रिलेटेड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमों को मजबूत करने के लिए 18 से लेकर 35 साल की लड़कियों को, 2021 में योजना लाई गई थी कि 18 से लेकर 35 साल की जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको 5,00,000 रुपए का फाइनेंस करने वाली है, 5,00,000 की वित्तीय सहायता देगी, और यह तेजस्विनी योजना है। इस योजना का नाम है तेजस्विनी योजना। यह लेकर आई है जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, जीवहाला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है और इसके तहत 50,000 रुपए दिए जाएंगे, 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, और वो भी किसे, जेल कैदियों को, जेल में बंद जो कैदी हैं वो अपने खर्चों के लिए अपनी फैमिली को भेजने के लिए 7% के ब्याज पर 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, ऐसी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो देखो ये सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, लगभग एक घंटे की क्लास से, एक घंटे से ही ज्यादा वक्त लगता भी है, लेकिन अगर आप चीजों को कर रहे हो यहां पर, और मैंने जो सेपरेट वीडियोस दी हुई आप लोगों को, अगर आप उनको देख लेते हैं साथ में, नोट्स को और अपग्रेड कर लेते हैं, तो आने वाले जीडी का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम होगा, इसके अलावा सीडीएस में बेनिफिट करेगा, एफकेट में बेनिफिट करेगा, और एनडीए के अंदर बेनिफिट होगा, एयरफोर्स के एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, चाहे कोई कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस का, एसआई का एग्जाम हो, आने वाले सभी एग्जामिनेशन में, और अभी तो 120 की बात की हमने, यानी अभी 480 क्वेश्चन इस सीरीज के बाकी हैं। तो देखिए बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, रेगुलर रहिए, दूसरों को जोड़िए, ज्ञान बांटिए, और बढ़ेगा ऑब्वियस से आप लोगों के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।